लगातार रसातल में जा रही बहुजन समाज पार्टी ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल किया है। मायावती ने यूपी में मुनकाद अली को बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करके मुस्लिम समाज को थामने की कोशिश की। मुनकाद अली ने बसपा से ही राजनीति की शुरुआत की थी और वे पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। सपा से गठबंधन तोड़ने के बाद और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले मायावती का पार्टी को लेकर यह बड़ा फेरबदल बहुत सोच समझकर किया गया लगता है। वहीं एक और बड़ा बदलाव करते हुए मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल एस छोड़कर आए दानिश अली से संसदीय दल के नेता का महत्वपूर्ण पद वापस ले लिया है। उनकी जगह अब जौनपुर से लोकसभा सांसद श्याम सिंह यादव को संसदीय दल का नेता बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार बसपा संगठन के नेताओं की माने तो यूपी चुनाव से पहले मायावती ने जातीय गणित को फिट करने के लिए सोच समझकर कदम उठाया है। इसके साथ ही यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे आरएस कुशवाहा को अब बसपा केंद्रीय यूनिट का महासचिव बना दिया गया है, जबकि अंबेडकर नगर से बसपा सांसद रितेश पांडे को लोकसभा का डिप्टी लीडर बनाया गया है। वहीं सांसद गिरीश चंद्र जाटव लोकसभा में बीएसपी के चीफ बने रहेंगे। बता दें कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मोदी सरकार के फैसले का मायावती ने समर्थन किया था। इसके बाद से ही मायावती को मुस्लिम वोटों के खिसकने का डर सताने लगा था। वहीं मुसलमानों को लेकर योगी सरकार जिस तेजी से राज्य में काम कर रही है वो भी मायावती और अखिलेश के लिए वोट बैंक खिसकने का डर पैदा कर रहा है। एक तरफ मोदी 3 तलाक बिल पास कर मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में खड़े हैं तो दूसरी तरफ योगी यूपी में मुस्लिम युवाओं पर रहमत बरसा रहे हैं। साथ ही मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए धन का आवंटन करने के अलावा मदरसों का कायाकल्प करने और मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय के लिए जमीन आवंटित करने को लेकर भी योगी चर्चा बटोर चुके हैं। लेकिन मायावती ने पार्टी में इस फेरबदल से सभी जातियों के साथ साथ मुस्लिमों को भी साधने की कोशिश पर खास ध्यान दिया। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।